गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रूब्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचक क्रम। छोटे से कुछ शब्दों के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। जब क्लास में कुछ असाइनमेंट दिया जाता है या कुछ लिखने के दिया जाता है, उसके बाद जब आप करेक्शन करते हैं तो लास्ट में जो आप कमेंट लिखते हैं, या तो वो हो सकता है कि वेरी गुड या गुड या एवरेज, या आप कह सकते हैं उसको कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ये जितने भी कमेंट्स हैं या जितने भी रिमार्क्स हैं, इसको हम कहेंगे रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स से शुरू करते हैं आज हम लोग। रूब्रिक्स का मीनिंग सबसे पहले हम लोग जानेंगे, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। द लिटरल मीनिंग ऑफ रूब्रिक्स इज कमेंट्री, इंस्ट्रक्शनल, टाइटल एंड हेडलाइंस। रूब्रिक्स का सीधे सीधे मतलब होता है कि वो रूब्रिक्स कमेंट्री होता है। कमेंट्री मतलब जो हम लोग कमेंट्स करते हैं किसी चीज़ को, या फिर कोई जो भी उसने बच्चों ने वर्क किया है उसके ऊपर जो कमेंट करते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शनल देते हैं। इंस्ट्रक्शनल क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग या फिर वर्क हार्ड, ये सारी जो बातें हम लोग इंस्ट्रक्शनल देते हैं, ये सारी चीज़ों को हम रूब्रिक्स कहेंगे। उसके साथ ही साथ जो टाइटल्स देते हैं या फिर हेडलाइंस देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें रूब्रिक्स है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू द रूब्रिक इज कॉल्ड हेड ऑफ असेसमेंट। हम लोग कह सकते हैं कि ये असेसमेंट का हेड है, यानी कि असेसमेंट के लिए हमें ये सारी चीज़ें, इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। द रूब्रिक इज यूज टू लिस्ट लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप इन अ सब्जेक्ट। कह सकते हैं कि एक लर्नर के, एक बच्चे के लर्नर पीरियड में वो क्या, उसके एज ग्रुप में वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कितना सीखा और क्या सीखा, उसको आंकने के लिए, उसको मापने के लिए हम लोग रूब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और उसको जांच करने के लिए, या तो वो क्वालिटी जांच करने के लिए नंबरिंग्स, या उसको हम कैसे जज करेंगे, वो हम लोग रूब्रिक्स के साथ ही उसको जज कर सकते हैं। आफ्टर दैट सम लेवल इज केप्ट फॉर ईच स्किल्स। हर एक स्किल के लिए अलग अलग लेवल किया गया है। सपोज कि मान लीजिए कि आपने एक ऐसा लिखने को दिया है, निबंध लिखने दिया है बच्चे को, और बच्चे को आपको उसको नापना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसकी कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद आप उसको देखिएगा कि उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसके लिए आप 2 मार्क्स रख सकते हैं, उसने क्या अपने आइडियाज़ डाले हैं उसके लिए आप 2 मार्क्स रख सकते हैं, और उसने कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं उसके लिए आप रख सकते हैं। तो ये सारे जो लेवल्स हैं उसको डिवाइड क्राइटेरिया अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग पॉइंट्स हो सकता है। अ गुड असाइनमेंट इज दैट विच हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन। एक गुड असाइनमेंट क्या है, एक अच्छा असाइनमेंट क्या कह सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने को मिले, सारे इन्फॉर्मेशंस मिले। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि होता है कि आप कभी भी इन्फॉर्मेशंस लेने चाहते हैं, बच्चा का क्या अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे ने क्या क्या सीखा, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, और आप तक जो सूची आ रही है वो पूरा एक एक विस्तार से आ रही है, इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है बच्चे की, वो अगर आप तक पूरा विस्तार से आ रहा है, तो आप उसको एक अच्छा असेसमेंट कह सकते हैं। सपोज़ कि कोई बच्चा है क्लास में, तो सबसे पहले आप उसकी अटेंडेंस देखिएगा, अटेंडेंस कैसा है, उसके बाद आप उसका देखिएगा कि उसके दूसरे बच्चों के साथ उसकी कैसे बिहेवियर है, उसके बाद आप देखिएगा कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, या दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुल मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को देख के आप उसको असेस कर सकते हैं। तो ये CCE की बात करें तो CCE इसे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, सारी चीज़ों को, ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका कैसा है, वो पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता है, वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये सारी चीज़ों को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें, इन्फॉर्मेशंस को, सारी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करें और उसको लेवलिंग देने की कोशिश करें, तो हम सिर्फ रूब्रिक से ही दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे कि एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड, एवरेज, ये सारी क्या है, ये सारी जो भी आप
कमेंट्स दीजिएगा। ये सारे रूब्रिक्स है, रूब्रिक्स से पता चलता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा को आपने एक्सीलेंट दिया है तो मीन्स उसका बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है, साथ ही साथ उसका नॉलेज भी बहुत ही अच्छा है और सारी चीज़ों में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इस वजह से उसे एक्सीलेंट मिला है। या फिर आप उसको नंबरिंग्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि सपोज आप 50 मार्क्स का आपने एग्जाम लिया, अगर बच्चा 50 में 40 स्कोर कर रहा है दैट मीन्स ठीक है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वेरी गुड है। अगर वो 20 स्कोर कर रहा है तो वो एवरेज है। तो ये इस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं, आप उसको असेस कर सकते हैं। या फिर ए बी सी डी से भी आप उसको सिंबॉलिक के तरह से, वर्ड से भी आप उसको जज कर सकते हैं। ये सारे तरीके रूब्रिक्स के अंदर आते हैं। ए हो सकता है कि ए मतलब होता है वेरी गुड या एक्सेलेंट, बी इज वेरी गुड, सी इज गुड, डी एवरेज। तो इस तरह से जो लेवल्स आप करते हैं तो ये सारे लेवल्स क्या है, ये रूब्रिक्स के अंदर आती है। रूब्रिक्स एक बहुत ही अच्छा असेसमेंट है जो कि हेड कहा जाएगा कि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट को ये शामिल करता है। धन्यवाद।